ये सुल्तान अल्तमश ने बना वाली मस्जिद है जिसको ढाई दिन का दौरा होता था। यहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अमामत करते थे यहाँ पर तारीख सब दास्तान में। खैर चलो मैं भी यहाँ पर दो रफात नमाज लगा सकता हूँ। मकामात के जो मस्जिदें बंद पड़ी हुई है उनको आबाद करो। जब भी देखो तो वहाँ जाकर नमाज़ें अदा करो। फजर ज़ुहर असर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो मस्जिदें आबाद रहेंगी। नहीं तो मस्जिदें अगर छोड़ देंगे तुम तो तुमको पता है क्या होता। और मैं बयान भी नहीं कर सकता क्या करते लोग आकर के बदमाशियाँ करते फिर मस्जिदें विवादों में चली जाती झगड़ों में प्रॉब्लम। तो बेहतर है कि उसमें आओ नमाज़ें पढ़ो अदा करो। ये भी लोगों ने हिल स्टेशन बना दिया सब बना दिया कि नमाज पढ़ते जाना नफिल अदा करना जितना भी हो सके पॉसिबल हो सब इबादत गाहों को इबादत गाहों की तरह रखना। ठीक है चलो आओ जोर से है क्या बोल स्पीड कम कर लेडीज स्पीड कम कर और जोर से हां जल्दी आ लगा पूरी ताकत तेरी पूरी लगा क्या लगा पूरी ताकत लगा अब जोर से लगा तेरी कितनी ताकत है तो और जोर से लगा पूरी ताकत कितनी है तेरी तो तेज से बड़े तक रोको और जोर से
हाँ और जोर से, हाँ चल रहा, हाँ जोर से पूरी ताकत लगा के, हाँ और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत लगा। क्या है छोकरे को मार दो बोले, कब मारो बोले छोकरे को, क्या कर दिया अंदर बैठ के तू, कौन है औरत आदमी है, हाँ तो काट दूंगा वो हाथ पसंद कर दूंगा, जोर से भाई को परेशान कर रहे रे, क्या चल रहा है ऐसा, हाँ काय कोरी पाठी वाले थे, काय गोष्टी आहेत, काय दुश्मनी तुमची त्याची, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, हाँ क्या नाम है मोइन, को कौन बोला परेशान करो, चला हाँ क्या है मोइन को मारने आल थे, तड़पा तड़पा के क्या करके मारने आल थे, हाँ और क्या करने वाले थे, कुछ भी नहीं तड़पा के मारने वाले थे, हाँ कैसा मारने आल थे मोइन को, एक्सीडेंट करके बीमारी पे डाल के, बीमारी पे डाल के, बीमारी पे डाल के थे, क्या बीमारी लगा रहे थे उसको, उसको हाँ उसको बीमारी लगाएंगे, कौन सी, कोई भी बड़ी बीमारी, हाँ शादी हुई क्या तुम्हारे छोकरे की, ये अच्छा मोइन की औरत को क्या करे, हाँ उसके औरत के आंग में कौन बटियाला है, तुम्हारे पास का शैतान है, दूसरा है वो, दूसरा है वो, तो इधर अलग चल रहा, क्या दुश्मनियां थे ऐसे, जादू कहाँ से चला, मोइन के ससुराल की तरफ से करे आला है, मायके की तरफ से, मायके के, जोर से बोल पूरी दुनिया को सुने आना, मायके के उधर से चला, चलाने वाली औरत थी, आदमी है, आदमी है, अच्छा आदमी है, अभी मैं उसका नाम नहीं पूछा, जब मैं नाम पूछूंगा, जब नाम बयान करना, इससे पहले नाम निकला क्या कभी, देखो क्या दास्तान चल रही, तो जादू टोने कर रहे थे करते, मोइन के औरत का क्या ले गए थे जादू चलाते टाइम पे, हाँ बोल, कपड़ा चप्पल मट्टी फोटो बाल वाल क्या लिए थे, डायरेक्ट जादू चला दिए, कहाँ से लाए थे तुझे पकड़ के, शमशान से, कब्रस्तान से, कब्रस्तान से, कहाँ से, कब्रस्तान, ये कैमरे वाले इस तरीके से ले आ गया किसी को, कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, कब्रस्तान से, कितने साल हो गए लाके, 5 साल, अच्छा शादी से पहले करे बच्चे को, शादी की बात करे, शादी के बाद, शादी की बात करे, दुश्मनी क्या थी, दुश्मनी, दुश्मनी नहीं, तोड़ा देने के वास्ते करे, अच्छा मोइन के बाद उसकी औरत को कब मारने वाले थे, औरत को, औरत को नहीं मारने वाले, इसको तो मारने वाले थे खाली तड़पा के, कैसा करे थे, खिला के करे, कैसा जादू करे, खिला के, किस चीज में, किस चीज में, हाँ गोश्त में, का गोश्त, चिकन, अच्छा उसके बीबी को कहीं में खिलाए थे, बीबी को, उसके मोइन की औरत को कहीं में खिलाए, मोइन की औरत को, उसको भी चिकन में डाल के, अच्छा जकड़ो इनको अंदर से, जकड़ के आग लगाते रहो इनके अंदर से तेज से,
और क्या क्या परेशानियां ला रहे थे मोइन के घर में? पूरा घर परेशान कर दे रहे थे वो। क्या कर रहे थे? पूरा घर परेशान कर रहे थे। और क्या करेंगे, पूरा घर बेचैन। लड़ाया झगड़े, भाई भाई में झगड़े, बाप में झगड़ा, माँ में झगड़ा। खैर बरकत भी उड़ा दिए थे, बरकत भी उड़ा दिए थे, तलिंदरी लगा दे रहे थे, कर्जे में डुबा दे रहे थे। वाह रे, झगड़ा इतनी और तेज से। बोल कौन है तू, उसकी औरत गैंग में क्या कर रही? औरत है, आदमी है, कौन है तो? औरत है, कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान से, कब्रस्तान से? कितने साल पहले, कब लाए थे? शादी के दो साल बाद लाए। अच्छा वो कहाँ से लाए थे? बच्ची के ससुराल की तरफ से आया था, मायके की तरफ से? कहाँ से? औरत लाई थी, अभी लाया था। अच्छा ये बच्ची का क्या लेकर चला थे? उसकी सूरत, उसकी सूरत। और क्या कर रहे थे? उसको खत्म करना तो चाहती थी मैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया, वो छोड़ नहीं पाया, छोड़ नहीं पाया। उसकी औरत उसके दिल में बची है, औरत से बहुत मोहब्बत करता है। मैं उसे परेशान करना चाहती थी, वो परेशान नहीं हुआ। असीम को कहीं में खिलाए उसको, गोश में का पाल के दोनों को साथ खिलाएंगे। अभी भी नहीं, उसे बात नसीम पहले उसे औलाद के वास्ते चार साल तक साए। अच्छा उसी को उसके ससुरे के पास इलाज करा, थोड़ा सा गुण दिया उसी ने, मतलब पुरता, पर उससे झेल नहीं पाया दोग। उसे वो तो उसके मतलब पुरता करता है, उसके जान को सुखाने पुरता करता है, लेकिन नसीम दुनिया में रह नहीं पाएगी, ये भी मेरा वादा है। उसी को दो साल बाद ये भी बात याद रख। अच्छा मारने के लिए उसे तो पसी पे दो चीजा से मारूंगी उसे। कौन से दो चीजा? करंट फांसी। अच्छा। दो चीजा पे मियाँ बीबी के झगड़े में। अच्छा। वो तो गई थी करंट पकड़ने, उसी ने खींच के लाया उसी को। इन्हें बहुत मेहरबानी करा उसी पे। क्यों करा? बोल बोल, लोगों जान लेते बात कर रहा तुम्हारे। मारो उसको, ना लाए क्या बन के हाथ काट के लूंगा मैं, आग लगाओ क्या तुम्हें? बहुत जाना ले रही लोगों के तू। हाँ बड़ी मैंने तो आज करी, खलनायक बन रही, मैंने तो आज करी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं बेटी का सुनती थी, मेरी बेटी हाथों के वहां दवा करती है, मेरी बेटी दवा तो बात करती है, मदीना तो बात करती है, मदीना तो बात करती है, बात कर रहा चल रहा। लोगों को मार रहे हैं, बाद में तो बात कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं माफ करते, मुझे माफ करते, मुझे माफ कर दे। मेरा चोर बैठा, मेरा चोर बैठा, मेरा ससुरा बैठा, मुझे बोल रहे शर्म आ रही। नहीं माफ कर दे, तेरे को भी मार पड़ेगी, तेरे बहन को भी मार पड़ेगी, नाला दोनों को भी जगड़ लो उनको, कमबख्तों को तेज से। मैं तो उसकी सास, मैं उसकी सास है, मैं मदीना की माँ है, वो तो सैलानी को जाती है। दोनों के हाथ तोड़ दूंगा मैं, जगड़ लो उनके हाथों को तेज से। अभी चक्कर लगाई, 8-15 दिन हो रहे, बाल के भाने से गई। पंदे मेरे दिल में कहती है नसीम को मार डालो, मोइन को खत्म कर डालो। बच्चे को, बच्चे को, बच्चे खत्म कर रहे, बच्चे को तड़पाओ, बच्चे को माँ बाप से अलग कर लो,
मोहिन की, नसीम की, जो भी है मेरे बच्चे को काम आएंगे। मेरे को पांच बच्चे हैं, दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, वो तो दूसरी माँ के है। उसने उसके मुंह से कभी किसको बोल नहीं पाई, आज वो बोल रही है सबके सामने। पकड़ो इसको और तेज से। मियां बीवी में झगड़े लगा रही थी जान लेने के वास्ते। और कितनों को मारने आ रही उसके घर से? किसी को नहीं, वो बस देखता है, उसका दुख उसके घर के बच्चों पे जाता है, घूम फिर के वही घूमता है। हाँ। वो दूर नहीं जाता। हाँ। चारों कोने में खिले है। हाँ। एक जगह पुतला है। हाँ। वो सब गाड़ के, वो सब मोहिन के वास्ते और नसीम के वास्ते। कब गाड़ी थी वो? अम्मास में। ओ, कितने साल हो गए उसे? 5 साल हो चुके। मोहिन ससुराल वालों को गाली गलौज कर रहा है, मुझे बहुत खुश होती है, मैं कान लगा के सुनती है। वो फोन पे बोलता है, मैं सब सुनती है। मेरे को बहुत खुशी होती है। ओ, लेकिन औरत पे हाथ नहीं उठाता, उससे बहुत मोहब्बत करता। उसकी मोहब्बत पे से उड़ा दो, उसकी मोहब्बत पे से उड़ा दो। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा माँ? ऐसा क्यों हो रहा बेटी? मैं गलत रास्ते पे नहीं चलती। आप मेरे से जो गलती होगी दो बार करती मैं। मैंने आज करके आई, मुझे 8 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मुझे 4 बेटे हैं। मैंने आज करी, मैं तौबा मांगती। तूने इतने बड़े घर में लाके टिका दी मुझे, इतने बड़े बाबा करने लाके पहुंचा दी मुझे। मैंने सोच भी नहीं सकी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था क्या माँ सास ससुरों से बहुत अच्छी रह रही है, पर दूल्हे से दूल्हे को डांस पीस कर रही है 2 दिन से। दूल्हे को बोलती है नाटक कर रहा है। मारो उसको और जकड़ के आग लगा दो उसके अंदर से, जकड़ लो उसको और तेज से। उसकी बेटी ने शादी में झगड़ी थी मेरी बेटी से, मैंने उसको जब से ध्यान में रखी थी उसके पैजाम को मांगती थी, वो उसको गले में जाने सुनना अच्छा मांगती थी। वो बोलती थी मेरी बावच को कपड़े अच्छे लाओ। वो बोलती थी मेरी बावच उठती थे हमको, उसको चीज अच्छा बनाओ। उन्हें माँ से झगड़ी थी तो मैंने यहाँ ध्यान में रखी थी, ये बावच के वास्ते ऐसा कर रही है। उसके बावच मेरी बेटी को कोई साथ नहीं देगी। मैंने इसलिए उसे ऐसा करी थी, पर सब उल्टा गेम हो चुका है। वो मुझसे किसी को बोल नहीं पाई, वो 2-3 जगह बताई थी। उसका ससुरा, उसका देवर उसके पीछे आया था, उससे हाजिरी लेने को। वो एक बाबा था कल्याण करके, वो मराठी का था। उसको पूछा सच्ची बता माता चुप, उसी ने बोला
नहीं हुआ, पर उसने यकीन नहीं करी, उसकी नाम नहीं डाली थी, उसका नाम पूछते थे, उसी को नाम नहीं था उसी में, वो नाम कैसा बता सकती, उसका नाम नहीं है तो क्यों बताएंगी वो, उसका नाम नहीं है तो हम चाहते हैं नसीब ने मर जाना, करंट लेना, वो तो सिगड़ी पे कभी खाना बनाती है पर वो मरती नहीं है, बहुत हुशार है दिमाग के, उसका बोला बंद है, मैंने उसके ससुरे को भी छीन ली उससे, उसके अंगे अंगे करता था माँ का लौड़ा, मैंने बोले भाई देखो देखो कुछ ससुर से क्या माँ, वो तो मेरा नहीं सुनता, बहू को सामान लगा देता, माँ मैं कैसा बताऊँ, मेरे को माफ कर दे, आप नहीं करूंगी ऐसी गलती, नहीं करते मुझे माफ कैसा करिए, मुझे लोगों को घर जलाती आना लगाती लगाती जाना लेती लोगों के कब्रिस्तान से लाई थी उसी को, कब्रिस्तान में पहुंचाऊंगी उसको, एक दो साल की थी वो, अच्छा उसकी हालत अभी से सुनना चालू हो रही थी, वो तो चांद के वजह से बची वो अभी तक के, उस पे चांद की मेहरबानी थी, जल्दी तोबा करो भाग दो ना, जोर से मुंह पे मार के सुनने आ रहा मुझे, तो हाथ काट लूंगा मैं तोबा के लायक नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा जल्दी तो ना आता ऊपर, बेटे को उसके देख के नीचे ऊपर तन बंधन में अंगार होती है उसी को, बेटा हो चुका है आप कुछ उससे झूठी नहीं है, चांद ने कराना चांद ने बताया ना, चांद ने उसकी गोद में फल डाल दिया ना, मैं तो सोचती थी उसी ने तड़प तड़प कर जीना, वो तड़पी नहीं वो तड़पी नहीं, उनका काम है ना वो तड़पी नहीं, वो तड़पती थी लेकिन मोहिल बहुत सबरदार था, सबर कर बोले मैं दी को नहीं छोड़ता, उसका बाप उसको दो तीन जगह होता देखता था, सही बोल देखता था क्या नहीं, बात मत करो उसका पकड़ निकला वट कर दे, उसके बाप ने दो जगह उसके वास्ते औरता देखा था, मोहिन ने उसको धनारे को लेके चले गया था, जलाओ उसके पेट में आग लगाओ तेजी से, तेजी जकड़ के चलाओ अंदर से तेजी से आग लगा दो, बन के मारो उनको आज रात 12 बजे के बाद से संजय डाल के पकड़ लो सारे शैतानों को नालायकों को, खूब मारो उनको, इससे पहले कभी नाम वाम निकला क्या, निकला ना कहाँ पे, मर ठीक था उसके बाद वो सास का नाम ली थी, किसकी सास, तुम कौन है उसके, मैं ससुरा है, अब सास का नाम ली थी तुम्हारे औरत का, हाँ तो ये औरत कोई बुरी लगती थी, माँ बाप माँ बाप आए थे, अभी किसके नाम निकले कुछ क्या, नहीं हमारे घरवाली का सास का, और किसका नहीं सास का, मतलब सास ने हमारे यार अपने उसकी माँ के हाथ से करी थी, तुम्हारे सबूरी ऐसा बेटे ने बोलने बोला किने करा कर बोला, तुम आगे पूछेंगे तीसरे चक्कर तक,
दूसरी या तीसरे चक्कर तक उसके भी आंग में से पूछा ली मैं पूरा पकड़ के। इधर से क्या निकला था नाम, इधर से भी कुछ पूछा था ना मैंने, इधर से कुछ बोला था ना शैतान, क्या बोला था? ससुराल की तरफ से निकला था। तेरे को याद है क्या कुछ सवाल जवाब हो रहे थे तो अपने यहाँ पे कितना याद है? मायके तरफ से क्या रहा? किसके मायके की तरफ से? इसकी मायके की तरफ से है, भूल के आया ना जवाब। बुखार दूसरी या तीसरी चक्कर में पूछूंगा मैं नामा, अभी नामा पूछा कि झगड़े वगड़े नहीं लगाने के, वो नामा जानने के ख्वाहिशमंद है तो नामा आगे के चक्कर में पूछेंगे एग्जैक्टली। अभी तो निकले दास्तान, अभी शुरू में पूछा आया हूँ क्या क्या है उसमें सब रिकॉर्डिंग में और सब, मगर ऐसा खैर गलत बात आई है एक दूसरे पर जादू टोने करना, जादू टोने के करीब नहीं जाना, जादू टोना बहुत बुरी चीज है। और बेवकूफ लोगो अकल से पैदल, एक बात याद रखो, तुम अगर दूसरों पर जादू टोना चला रहे, जिस पे जादू टोना चल गया और वो इंसान अगर ओरिजिनल उस्ताद के पास आया हटाने के वास्ते, और अगर मैं हटा दूंगा तो तुम्हारे पे चले जाएंगे पलट के, तुम्हारे बच्चे जिसने भी जादू चलाया वो बच्चों पे पलट के जाता या तुम पे खुद पे आता, तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। चाह के भी नहीं, हम चाह के भी रुकाना भी चाहे तो नहीं रुकता, रूल्स रहता हो जाना ही पड़ता उसको पलट के, और जब पलट के जाएगा तो कहां जाएगा, और रिटर्न वहां जाके लगेंगे ना तुमको। जादूगर भी जो जादू चलाते ना, छोटे मोटे जादूगरों को भी ये समझ में आना चाहिए कि तुम अगर किसी पे जादू चला रहे और उन्हें ओरिजिनल उस्ताद के पास अगर आगा निकालने को और उसको मिल गया कोई ओरिजिनल, तो सब पलट के उस पे चले जाता हो जिसने करा, और जो लोग करा रहे थे सबको मारा पड़ते, धनाधन हट के झटके आते, मरते कब्रस्तानों में जाके पड़ते। इस वास्ते मत करो ऐसे हरकतें, करने वाले जो लोग रहते, करने वाले जो रहते उनके ऊपर पलट जाता तेजी से फटाफट फटाफट, और बहुत बुरा हाल होता है। ये तुमको दास्तान बता रहा हूँ मैं, ये किताबों में लिखे वाले कहानियां नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूँ सारी, और ये तुमको कोई बताने वाला नहीं है मेरे अलावा, जो मैंने दुनिया को प्रैक्टिकल में जो चीजें बताया आज मेरे कुछ जहन में बात है तुमको बता रहा हूँ कि आज तक मैंने कोई वीडियो में नहीं बोला। कौन सी बात? कि तुमको ये पता नहीं, अब यहाँ से बोलूंगा सब वीडियो के अंदर लोगों को कि तुम जो जादू चला रहे ना बड़ा खुशी खुशी से जाके एक दूसरों पे, तो ये सोचो तुम जादूगर भी और जादू चलाने वाले लोग दोनों भी ये सोचो कि अगर तुम चला देंगे ठीक है चल जाएगा, जिसको चला दिए तुमने जो इस इंसान पे, वो इंसान अगर जब भी ओरिजिनल इंसान के पास पहुंचेगा निकालने के वास्ते कोई भी अल्लाह वाली शख्सियत के पास, तो वो पूरा पलट के तुम्हारे तरफ जाना पड़ता है, ये रूल्स है, पूरा पलट के वाली जाके फेंक देते रिटर्न, फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाता जिसके हद नहीं। इस वक्त इन चीजों से बाज आओ, ये मना करे आला है, सख्त मना करे आला इस्लाम ने, हदीस में बोल दिया ना कि वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, हमें से नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या है ये सब ऐसी दास्तान? अब बुखार ये शैताना जो नामा ले रहे तो इनके नामा इतना भी नहीं, वो बोल सकता मैं जस्टिफाई नहीं करा सकता, कौन करा, दूसरे चक्कर में करूंगा क्योंकि अब बहुत घर के फैमिली के दास्तान हो रहे हो, इस वास्ते मैं ज्यादा नहीं पूछा, रोक दिया, ये जो करने आगे करूंगा करने वाले है ना, इन्हें घर के घर में झगड़े लगाने के बाद नाम डाल देगा। वो तुम्हारा ऐसा कहना है कि इन्हें नाम डाल के सब कराऊंगा कि बस किसका भी नाम ले इसको भी परेशान कर, मगर घर के घर में, मगर एक बात मेरी याद रखना के बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझ के और बोल रही कि मेरे को कोई देख रहा चे नहीं, वाह कमाल है, वैसे दास्तान हो जा रही जादू करने लोग। अब तो नामा निकलना चालू है ना दुनिया में, सोचते नहीं करना एक दूसरे पे, बहुत बुरी बात है। तुम क्या अल्लाह को मुंह नहीं बताना है तुम्हारे लोगों को मर के, तो वहां जाके ऐसा बोलेंगे हमने जादू कर रहे थे। अरे जादू से बड़ी चीज बद्दुआ है, बद्दुआ करो अब वो कबूल होती हो अगर हक पे रही तो, और दुआ को तो भी अर्श हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक देते, तफसीर पढ़ो उसमें मालूम होता, दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक देते, ऊपर नहीं जान देते अर्श पे। कब तक रोक देते? जब तक उसके साथ में दरूद शरीफ नहीं है। अगर तुम्हारे दुआ के साथ में दरूद शुरू में या आखिर में नहीं है, तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान के बीच रोक दी जाती, और जब तुम्हारे दुआ के साथ में दरूद पाक है पड़े आला, तो फिर तुम्हारी दुआ सीधा अर्श इलाही पे जाती। और बद्दुआ एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोकता, उमर फारूक का कौल है कि सीधा अर्श इलाही पे चली जाती है, सीधा अर्श पे उसको कोई नहीं रोकता। तो इस बद्दुआ करो, तुम्हारे बद्दुआ का वो दिया अल्लाह ना, अल्लाह ने अख्तियार, अगर तुम हक पे तो बद्दुआ करो, बद्दुआ बरोबर लगने वाली आदमी तो, मगर जादू टोना नहीं करना, ये शिर्क है, बहुत खतरनाक बुरी बात है। तो शिर्क कैसा होता? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना शिर्क है। तुम अल्लाह पे से अकीदा हटा के तुम इधर अकीदा लगा रहे बोले तो फिर क्या हो रहा हो? तुम्हारा अकीदा बट रहा गैरुल्लाह के पास तुम जा रहे, फिर तुम क्या हो गए? फिर शिर्क के दायरे में आ गए, खत्म हो गए तुम्हारी दुनिया और आखिरत। जब इस हदीस में बता दिया तब से हूँ, अरे बहुत बुरे बात है, बहुत बुरी दास्तान है, क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, ये सब बात को कैसे है। और बस इतना ही बोलूंगा मैं कि वो जो भी नामा वामा है वो देखेंगे आगे के चक्कर में, अभी नहीं पूछा था मैं, ये नामा पूछा के जंगा झगड़े नहीं लगाने के। हाँ
इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, इबादत करना, ये ऐसे सब बातों से बच के रहो, बहुत बुरी बात है। मेरे बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, मेरे को बहुत गुस्से आ गए, बहुत जलाल सब चढ़ रहा था मेरे को तेजी के साथ, मगर कंट्रोल में ले लिया, बहुत बुरी बात है ये ऐसे हरकत आ कर रहे थे, नालायक हो, शर्म करो, अल्लाह आजाब नाजिल कर देगा पूरे दुनिया पे। अभी एक आजाब नाजिल करा था ना कोरोना भेज के, दूसरा आजाब अगर नाजिल होगा ना भूकंप के झटके, तो भागने को भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हारा भागने को, इतनी खतरनाक चीज रही थी भूकंप। बहुत बड़े बड़े इमारत बना के बता रहे ना लोगों को, वो इमारतों से पनाह मांगते भागेंगे तुम अगर जलाल आगा अल्लाह को, जब अल्लाह को जलाल आता तो जमीन और आसमान हिलने लगते। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुरा रहे थे वो लोग, किस्सा देखो, वो जब जिस्म मुबारक चुराने के लिए दो बूढ़े पहुंच गए थे अंदर, उमर रजी अल्लाह तआला ने सुरंग बनाते हुए उमर के हुजरे तक पहुंच गए रजी अल्लाह तआला ने, जैसा उन्होंने बोले हमने उमर का हुजरा खोलते जमीन आसमान हिलना चालू हुई थी। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह को जलाल आ गया था, जब अल्लाह को जलाल आता तो जमीन और आसमान हिलते। बहुत जैसे नहीं करने हरकतें, बदमाश है नाला है। खैर चलो, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह तुम लोगों को अमल करने की तौफीक दे, बहुत बुरी बात है। मैं जो दास्तान पता है तजुर्बे के हिसाब से बताया मैंने, इल्म के हिसाब से, बाकी इल्म की बातें तुम आपको ही नहीं बता सकते। हाँ, तुम्हारा को लोग किताब में से पढ़ाते, कहानियां कैसे सुनेंगे, रियलिटी प्रैक्टिकल वाले तजुर्बे की बातें कोई नहीं बता सकते। बोलो कहाँ से आए थे? कहाँ से? खैर अब कर अल्लाह करो, जब हमला करो, सब मैं निकालता निकाल के चलाता, जिस तरीके से उस तरीके से करो। हजरत गरीब आदमी की वो तो तरीके से हमला सब करना पड़ेगा, इबादत कर रहे नहीं कर रहे, कुरान आती नहीं आती पढ़ने, आती है कुरान, इन लोगों को कुरान भी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, पूरा सूरह यासीन पढ़ाओ सुबह शाम दो टाइम, एक एक बार कम से कम सूरह मुजम्मिल पढ़ो तीन तीन बार, सूरह रहमान पढ़ो एक बार, और आयतुल कुर्सी जी और चारों कुल दोनों के भी हाथ में एक तस्बीह देके 100-100 बार दिन भर में से पढ़ाते रहो इंशा अल्लाह, ठीक है जी। चलो रो हम लाए थे इधर में सुबह शाम दो टाइम पानी छीना तिरना मुंह पे मारना और चौपटों की खिड़कियों पे दरवाजों पे मारना, और एक इसका पानी बच गया पी लो लोगों ने, बाकी दुआ का पानी पीने का बड़ा तिरना पीते रहना। चलो रोक दो।